मांझी जी जीतेगा तो जरूर कुछ करेगा, कुछ भी जरूर करेगा, कुछ भी करेगा जरूर, पावर अनाज के व्यवस्था जरूर करेगा, लेकिन करेगा। टेन छाप को नहीं दीजिएगा, टेन छाप को हम देवे नहीं करेंगे, कहा नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं देंगे, हम कहा देंगे, किसी को बात हम मान जाएंगे। लालटेन छाप क्यों, हमको बाप देता हूँ, कहा है कि लालटेन छाप को बाप देता है, हम लालटेन छाप के देवेंगे, जब भी देंगे तो कड़ाई छाप को देंगे। यहाँ पे एक चीज वायरल हो रहा है कि इस गांव का पानी खराब है, यहाँ के लोग विकलांग है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है, ये भंटोली में कोई तो कोई विधायक नहीं से भी नहीं है, ये बात सही है, बात सही है, देखिए ना सब कितना कोड़िया लंगड़ा हुआ है, कोई कमर से है कोई पैर से है। लोकसभा में जीतेगा तो जीतेगा तो मांझी जी का हरा देंगे, उसको भी टेल देंगे, एक हाथ में शाम को पीते हैं, ऐसा थोड़ा बंद है बिहार में, तो बंद है तो नीतीश जी बंद किए तो चुपे चुपे बना के कभी कल मार लेते हैं, मार लेते हैं। चलिए तो ये भाई साहब हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं बहुत सारे लोग, अब उधर भी आप कैमरा घुमाकर दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर आपको सोए मिलेंगे, जो चल नहीं सकते हैं ठीक से, बोल नहीं सकते हैं। मांझी जी का हम वोटर हैं, हम वोटर हैं मांझी जी के। हाँ मांझी जी, क्या लग रहा है मांझी जी जीतेंगे तो दारू चालू करेंगे? चालू करे चाहे मत करे, फिर भी कुछ तो मदद देगा ना, पेंशन बढ़ा देगा या कुछ में भी मदद कर, फिर भी नहीं तो मांझी हम भी हैं, जितना मांझी है तो मांझी विनय मांझी भी है, तो कम से कम सरकार मेरा बन जाएगा, तनी मन छोटा मोटा भी तो कम से कम पावर चलेगा ना, वो भी तो हम सोच रहे हैं, मतलब आपका पावर रहेगा, पावर रहेगा ना। तो मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, कुछ किए थे आप लोग के लिए? किया था तो बेचारा बहुत अति सुंदर बात किया था कि मतलब कि छः महीना में बुरा पेंशन बढ़ा दे, अभी कहानी सरकार आएगी उसका बन जाएगा, तो कहानी बेचो आओ बढ़ा देगी बेचारा कि पूरा सरकार है, मतलब कि बना बना देगी कि मतलब कॉलोनी नहीं पास, हमारा दादा मर गए, पापा मर गए, मैं भी मरने वाला है, मेरा बेटा भी जवान हो गया, मेरा बेटा अति मैट्रिक पास करने वाला है 2 साल के बाद, और फिर मेरा अभी तक कॉलोनी ने मेरा क्यों नहीं मिला, लालू यादव के राज में क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, नहीं मेल में नहीं किया तो कैसे कह दे सकते हैं। मांझी जी तो मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए तो मतलब क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिया, उसको भी गलती है, मांझी जी को भी काम का आपका वो है तो क्या, मेरा बाप है क्या है, वो गलती क्यों करता, किया गलती क्यों, लेकिन सुधार कुछ किया कि कुछ भी नहीं तो बुरा पेंशन बना दिया, राशन बढ़ाया, राशन बढ़ा दिया, जहाँ मिले राशन मिलता है मुफ्त में, हाँ मुफ्त में मिलती है, जहाँ मिले के 3 किलो जहाँ कर दिया 6-7 किलो, 7 किलो मिला तो, और हम 7 किलो खवाइए हैं, उतना हमको पेट भी भर रहा है, बहुत अति सुंदर हमको चल भी रहा है, जो कि कमाने की भी प्रशासन, हम मांझी जी को कौन छाप पे वोट दीजिएगा? कड़ाई, कड़ाई छाप पे, सबको पता है पूरा कड़ाई छाप पर हम वोट देंगे, लालटेन छाप को नहीं दीजिएगा, लालटेन छाप को हम देवे नहीं करेंगे, कहा नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं देंगे, हम कहा देंगे, किसी को बात हम मान जाएंगे, लालटेन छाप क्यों, हमको बाप देता हूँ, कहा है कि लालटेन छाप को बाप देता है, हम लालटेन छाप के देवेंगे, जब भी देंगे तो कड़ाई छाप को देंगे। मांझी जी आएंगे तो दारू चालू होगा, दारू चालू करे चाहे मत करे, उस हमारे कोई मतलब नहीं, दारू से हम दारू पर हम कूद रहे हैं का, हम ऐसे कमा के खाए वाला नहीं है, मेरा शरीर गल गया है, क्या हुआ, सब मांझी जिलों का बस्ती है, हम मांझी जी का बस्ती है, सब मांझी जिलों को, हाँ पूरा मांझी जी का बस्ती है, हाँ यहाँ पे विकास होगा, मांझी जीतेंगे तो, मांझी जी जीतेगा तो जरूर कुछ करेगा, कुछ भी जरूर करेगा, कुछ भी करेगा जरूर, पावर अनाज के व्यवस्था जरूर करेगा, लेकिन करेगा, यहाँ का पानी में सुधार हो जाएगा, पानी में सुधार होगा, होगा होगा, करेगा ना करेगा तो अब की बार ये लोकसभा में जीतेगा तो जीतेगा तो मांझी जी का हरा देंगे, उसको भी टेल देंगे, करवे नहीं करेगा तब। चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, आइए उधर चलते हैं, आइए यहाँ से जीतन राम मांझी खड़े हैं और सर्वजीत जो है लालटेन छाप से खड़े हैं, किन को वोट देना? लालटेन के हैं, लालटेन को है। हाँ लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मांझी जी बहुत अच्छा है, जो अगर जीत रहा है तो अच्छा है, जीत रहे हैं तो अच्छा है, इन लोग पर थोड़ी विश्वास है, पलटू राम पर, एगो पलटू है, एगो भी है, ये भी आते हैं, ने खन उन्हें जाते हैं, तो पलटू राम पर थोड़ी कुछ भरोसा है। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो इस गाँव के लिए कुछ विकास, हमें किए विकास, इस गाँव के लिए नहीं किया, कहाँ किए हैं, देखने रहे गाँव। अच्छा एक सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हो रहा है कि इस गांव का पानी खराब है, यहाँ के लोग विकलांग है यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है, ये भंटोली में कोई तो कोई विधायक नहीं से भी नहीं है,
ये बात सही है, बात सही है। देखिए ना सब कितना कोढ़िया लंगड़ा हो, कोई कमर से है, कोई पैर से है, कोई घेचिए से है। तो जन्मे से होता है लोग की बीमार हो जाता है पानी? नहीं, जल में से है जी। अब तो थोड़ा सुधार भी हुआ है पानी को, विदेशी फैन आने से जी। पानी में ऐसा क्या निकलता है, क्या बताया गया आप लोगों को? पानी में वही खराबी बताया, दांत पीला रहेगा, कमर में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, उससे लूज हो जाते हैं लोग। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग दारू रुपिए हुए हैं। यहाँ तो वही चीज वही है भैया, उसी से इन लोग जी रहा। कोढ़िया लंगड़ा जियेगा क्या चीज से? पगड़ी ढो सकते हैं, आटा ढोवाएगा? नहीं ढोवाएगा, तो उसी चीज से जी रहे हैं इन लोग। मतलब दारू भी पीते हैं लोग? लोग पीते हैं, अभी दिन में लोग पी पी के सोए हुए ये कैसे कह देंगे कि दिन में सोए हैं ये मत बोलिए कि पी कर सोए हुए, हम निम्ना मन भी सोए हुए तो कह दीजिए पी के सोए हुए हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों का मुंह स्मेल कर रहा है ना। ना ऐसा है, भंटोली है ये, है तो क्या कीजिएगा, ये भंटोली ना है। लेकिन इस बार माझी जी जीत रहे हैं, ये हम कैसे कह देंगे कि जीत रहे हैं? हम कैसे थोड़ी कह, हम ये थोड़ी कह देंगे कि तेजस्वी यादव को नेता जीत रहे हैं, लेकिन अपना जो मन है वो तो लोग देवे करेंगे। तो आपका मन है कि सर्वजीत जीते? सर्वजीत देंगे, देंगे। अगर दूसरा को भी देंगे तो हम लोग का नाम नहीं होगा, इसलिए कि यादव है, सीधा कहेगा कि यादव कह दिए होंगे। मांझी जी के अगर वोट दे देंगे, गमछा रखे हुए ना, ये तो गमछा समझ जाइए, ये तो गमछा में तो हरा आ गया तो हरे रहेगा। गमछा से नहीं मतलब? गमछा से क्या मतलब भैया, हम लोग रोजी रोजगार कमाए वाला है, कोई भी गमछा लेके चल सकते हैं। तेजस्वी थोड़ी दे दिया हम लोग का गमछी की बाट लेते, कपड़ा दे दिया मांझी जी, हम लोग को गमछी दिया। लेकिन मांझी जी का अगर वोट भी देंगे तो हम लोग पर विश्वास नहीं मानेंगे। नहीं कहा है, वो तो बोल रहा है कि सब लोग हमारे हैं, बिरादरी तो लोग बोलते हैं। अभी हम आपको मानते हैं कि मोदी जी को वोट दे दें, वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, इसलिए ना मानेंगे कि को अगर सारे लोग वोट नहीं दे तो ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं। तो कहां बिहार में आपको आरक्षण किया? 40 को आया ना पिछला सीट में, काउची क्या मिला बिहार में? कुछ भी नहीं मिला। सारा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। आप ये बताइए भैया, 80 करोड़ रुपया पहले 35 किलो मिलता था, 2 रुपया किलो मिलता था, 3 रुपया किलो मिलता था, जो 35 किलो मिल रहा था, इनको राज में किरासन तेल भी बंद हो गया। क्या आपको दिया भरने के लिए है? लाइन कटला के बाद आपको घर में अंधार है, कोची कोजिएगा? सुधार हुआ ना, मोहब्बती लाइए, समझाओ, दिखाने के लिए आपके पास कुछ है सर? कुछ भी नहीं है, बेड डूबे लाइन आपको कट गया तो आपको रूम जो है जो साला अंधारा में आ गया। चलिए तो तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, ये नहीं बता सकते हैं, वो तो ऊपर का जानेगा, हम क्या जानेंगे? हम तो अपना वोट जो है, हम लोग का तो वोट वही है तेजस्वी यादव जी। चलिए तो ये यादव जी हैं जो कि तेजस्वी यादव को जिताना चाहते हैं। बाकी इस गांव का हाल देख सकते हैं, चारों तरफ कचरा है और कहीं ना कहीं लोग जो है गंदगी के कारण भी यहां के लोगों का तबीयत खराब होता है। इधर आप घर देख सकते हैं और लोग यहां से पानी पीने से कहा जा रहा है कि लोग बीमार हो जाते हैं। पानी में कुछ ऐसा पाया जाता है, पानी से है? पानी से है, तो पानी बाहर से नहीं आता है? बाहर से ले रहा है लोग, जिसको पास पैसा रहा है वो बाहर से माला पानी ले रहा है, जो नहीं वो तो अलाचारी वस्तु पे नहीं पीना। सरकार इस पे कोई काम नहीं करती? कोई काम नहीं, यहाँ पे बाहर से पानी नहीं भेजती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए अभी टंकी लगा हुआ था उधर, वो जो विदेशी फंड आया सर जी, रूम देख रहा है ना, ये भी विदेशी फंड से आया है। विदेश से फंड जी जी, मतलब WHO से आया जी जी जी। पानी भी विदेशी चेक किया है यहाँ जी, मतलब ऐसा क्यों है इस पानी में? इस पानी में क्या है नहीं है वो अपना चेक करके ही, मतलब फिर कोई बोगी में दावा दारू इन लोग का दिया था कि इसमें डाल के पानी, इसमें आप लोग पीजिए, इसी पानी पीजिए, फिर ये लोग पीने लगे, पीने लगे। तो अभी कुछ हो रहा है कि नहीं? अभी तो सुधार है, सुधार है जी जी जी। चलिए तो ये गया का चुड़ामनपुर नगर जो है, इस इलाके को कहा जाता है और ये मांझी जी लोग का बस्ती है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शरीर से दिव्यांग मिलेंगे आपको, उनको शरीर में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो बताया जा रहा है कि खराब था, अब जो है धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। बाकी जो भी यहाँ से रिजल्ट आता है 4 जून को देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है, कौन यहाँ से जीतते हैं गया लोकसभा से। जय हिंद, जय बिहार।